हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज हब। आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ करेंसी इन इंडिया, भारत में करेंसी का इतिहास। एंशियंट टाइम में करेंसी का यूज नहीं होता था, तो फिर लोग किस तरह से किसी वस्तु को खरीदते या बेचते थे? इसके लिए उस समय के लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको अदला बदली या एक्सचेंज भी कह सकते हैं। तो एंशियंट टाइम में नमक, सोना, चांदी, अनाज, जानवर का एक्सचेंज होता था। इन चीजों को धन के समान माना जाता था और इस पूरे सिस्टम को बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता। सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलेशन, जिसको हड़प्पन सिविलेशन भी कहते हैं, उस सभ्यता में भी बार्टर सिस्टम का यूज किया जाता था, क्योंकि हमें कहीं पर भी ऐसे एविडेंसेस नहीं मिलते कि हड़प्पन पीरियड के लोग सिक्कों या कॉइन्स का इस्तेमाल बार्टर के जगह पर करते थे। बार्टर सिस्टम की एक बड़ी कमी यह है कि जिस समय आप कोई चीज बेच रहे होते हो, उसी समय आप कोई दूसरी चीज कमा रहे होते हो। मान लिया जाए, जैसे किसी के पास में एक बकरी है और वो घोड़ा लेना चाहता है। घोड़ा वाला बकरी नहीं खरीदना चाहता लेकिन घोड़ा बेचना चाहता है, और बकरी वाला बकरी बेचना नहीं चाहता लेकिन घोड़ा खरीदना चाहता है। तो एक बड़ी उहापोह की स्थिति पैदा होती है जिसको कहा जाता है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी दो अलग अलग लोगों की जरूरतें जो एक्सचेंज के लिए तैयार हैं, उनके पास एक जैसे खरीदने और बेचने की स्थिति नहीं, और एक बड़ी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को दूर किया कौड़ीज ने। कौड़ी या शीशल, इनका इस्तेमाल एंशियंट टाइम पर करेंसी के तौर पर किया जाता था। आपने जरूर किसी को कहते हुए सुना होगा कि इस कौड़ियों के मूल्य चीज मिलती है, या दो कौड़ी की किसी की हैसियत नहीं है। इन सब मुहावरों का इस्तेमाल लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि किसी जमाने में कौड़ियों का इस्तेमाल करेंसी के तौर पर किया जाता था। कौड़ी का इस्तेमाल भारत के अलावा एशिया में, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका आदि में भी बहुत चलन में आया। अलग अलग लैंग्वेजेस में कौड़ियों को अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे अंग्रेजी में इसको क्रोवरी, फ्रेंच में कोरिस, रोमन में कोरी, जर्मनी में कॉरिस और रूसी में कॉरिस कहते हैं। भारत में आर्यों के आगमन के बाद वेदों में निष्क का जिक्र होता है, जिसका मतलब हार, इस सोने के हार से भी लगाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि निष्क का इस्तेमाल भी करेंसी के तौर पर किया जाता। इसका उदाहरण ये ले सकते हैं कि आपने अक्सर कई सीरियल्स में देखा होगा जो मिथोलॉजिकल या पीरियडिक हिस्टोरिकल पीरियड्स पे बेस्ड सीरियल्स होते हैं, उसमें राजा किसी बात पर खुश होकर अपने गले से एक हार तोड़कर मैसेंजर को देता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेसिकली करेंसी के फॉर्म में आने से पहले अलग अलग चीजों को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जैसे कौड़ी का उदाहरण मैंने दिया और यहाँ पर निष्क धातु या सोने की धातु से बने हुए किसी हार का। ये है भारत में प्रचलित पहले सिक्के, जिनको पंच मार्क्ड कॉइन से गधैया सिक्के भी कहा जाता है, जो ईसा से लगभग 600 साल पहले अस्तित्व में आए। ये लगभग उसी समय की बात है जब भारत में बुद्ध और जैन धर्म का उद्भव हो रहा था, और ये पंच मार्क्ड कॉइन्स को पुराण, काशार्पण या पण भी कहा गया है, और इनका जिक्र अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य ने लिखा था, उसमें भी मिलता है। साथ ही ये सिक्के महाजनपदों में भी प्रचलित थे। मौर्यों ने इन सिक्कों को रॉयल स्टैंडर्ड साइज का बनाया, और चाणक्य ने मेंशन किया है तीन तरह के सिक्कों को, रुपये रूपा जो चांदी का है, स्वर्ण रूपा जो सोने का है, और शीश रूपा जो लेड या शीशे का बना। ये हैं भारत में आए पहले गोल्ड सोने के सिक्के, जिन्हें इंडो ग्रीक किंग्स कुशाणास ने लॉन्च किया था। और इन सिक्कों में खास बात यह थी कि पहली बार राजाओं ने अपने आप को इन सिक्कों में ढलवाया, इनग्रेव्ड करवाया, ताकि वो जान सकें, वो बता सकें सारी दुनिया को कि उनका एक डिवाइन ओरिजिन है, दे हैव अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द गॉड।
और इस तरह से लोग उनको ज्यादा आराम से अपना राजा स्वीकार कर सकते। भारत में सोने के सिक्कों का जो सबसे अच्छा पीरियड था वो गुप्ता पीरियड के साथ में आया, जिन्होंने अपने कॉइन्स में खुद को अलग अलग काम करते हुए दिखाया, जैसे शिकार करते हुए या वीणा बजाते हुए। ये सिक्के अब तक मिले सबसे ज्यादा प्योर सोने के सिक्के हैं, और उस समय के सोने के सिक्के की प्योरिटी उस टाइम की प्रॉस्पेरिटी को भी शो करता है। इसीलिए गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री भी कहा जाता है। तो कुशाणों का आइडिया कि अपने आप को अपने सिक्कों में दिखाया जाए, ये आइडिया काफी पसंद आया, और बाद के राजाओं ने, भारत में मुस्लिमों के आने से पहले ऑलमोस्ट सभी ने कोशिश की कि वो अपने आप का डिवाइन ओरिजिन दिखाने के लिए अपने आप को अपने सिक्कों में ढलवाए। ये है वो पहला सिक्का जो भारत में किसी जनजातीय राजा ने इशू किया। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वाले लोग याद रख लें इसको अच्छे से। ये सिक्का योधे आज ने, जो कि पंजाब और राजस्थान के रीजन में रूल करते थे, और जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग की मौत के बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने का एक और अपनी सोवरेनिटी शो करने का, अपनी सार्वभौमता शो करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है अपने सिक्कों को ढलवाना। भारत में स्लेव डायनेस्टी या दास वंश का पहला सिक्का जो इल्तुतमिश ने जारी किया था, वो एक तांबे का सिक्का था जिसको जीतल कहा गया, और ये है तांबे का बना हुआ अदली, जो कि इल्तुतमिश ने ही जारी किया था। और ये है गयासुद्दीन बलबन का बनाया हुआ सोने का टंका। इन सब स्लेव डायनेस्टी के कॉइन्स में खास बात आप देखेंगे कि इनमें कहीं पर भी गुप्त या कुषाणों की तरह अपने जो इमेजेस हैं वो इंग्रेव नहीं करवाई है। और ये है खिलजी द्वारा प्रयोग में लाए गए सोने के सिक्के। भारत में मुगलों के दूसरे बादशाह हुमायूं को हराने के बाद में दिल्ली का राजा बनने वाले शेरशाह सूरी ने, जो कि एक अफगान था बाय ओरिजिन, उसने जो सिक्के जारी किए उनको नाम दिया रुपया, यानी चांदी का रुपया। ब्रिटिश पीरियड के दौरान, जिस टाइम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, पहली बार पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस की गई, और ये है वो पहली पेपर करेंसी जो कि बैंक ऑफ बंगाल ने इशू किया था 1812 के आसपास। 1835 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में कॉइनेज एक्ट इंट्रोड्यूस किया, और जिसके बाद हिंदुस्तान में स्टैंडर्ड वेट के कॉइन्स बनने शुरू हुए। 1858 में क्वींस प्रोक्लेमेशन, जिसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भारत से खत्म हो गया और इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्वीन। उसके बाद के सिक्कों पर जो एम्परर और एम्प्रेस थे उनके फोटो को इंग्रेव किया गया और वो स्टैंडर्ड साइज के बनाए गए। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन फिर भी जो नोट थे उनके ऊपर जो ब्रिटिश एम्पायर के जो हेड होते, जो ब्रिटिश एम्प्रेस या एम्परर, उनके ही फोटोज लगाए जाते। यह है जॉर्ज VI का पोर्ट्रेट जो कि 5 रुपए के नोट पर उकेरा गया है। सो दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।